हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा शानदार आप सभी के लिए होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर सभी को पता है कि यहाँ पर भोसले परिवार ने जो है पूरा दम खम इमोशन सब कुछ लगा लिया है, और यहाँ पर वो ईशान को रोकने में नाकामयाब है, क्योंकि उनको ईशान की काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि इसको बोलेंगे कि भाई अपना रास्ता नाप ले तू, तो उसको 2 मिनट लगेगी, वो अपना नया इंस्टीट्यूशन खोल देगा, उसमें इतनी काबिलियत है। और ये बात खुद राव साहब अपने मुंह से कहते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर वो ईशान को तो दबा नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा है क्यों ना अब सभी पर ही दम खम और गुंडागर्दी कर उसको ही दबा दिया जाए। और इसी का रिजल्ट आप प्रीकैप में देख पा रहे हैं आने वाले एपिसोड के, जहां पर एक गुंडा आने वाला है, यहां पर वो सभी को धमकाने वाला है कि अपने जितने भी रिपोर्ट और गुनहगारी वगैरह वगैरह जितने भी आरोप है उसको वापस ले ले, ये पैसे पकड़ और यहां से कॉलेज से निकल, तेरे फ्लैट का कॉलेज का सारा इंतजाम हम कर देंगे, रहने तक का तेरा इंतजाम हो जाएगा, बस आयुष को जो है वो तो छोड़ दे। अब यहां पर देखो पैसों की बात आई है, तो सभी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज जो है भोसले परिवार को, आयुष को और इन सब लोगों को लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि गरीब लड़की है, इसका स्वाभिमान जो है पैसों से खरीदा जा सकता है। लेकिन वो ये चीज नहीं जानते कि भाई जिसको गुंडों की धमकी वो देने चाह रहे हैं वो किसी और के नहीं, बल्कि गढ़चिरौली और नागपुर की शेरनी सही की और विराट चौहान की बेटी है, जो कि कभी नागपुर का जो है डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ करता था, और वो भी एक पब्लिक फिगर सेलिब्रिटी पुलिस ऑफिसर जो बड़े बड़े मिशन यू चुटकियों में पूरे कर देता था, और उसके अंतिम मिशन में जो है उसी की बेटी सभी का बहुत बड़ा हाथ था, और उसको सफल बनाने में भी, क्योंकि उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने भाई की जान बचाई थी और पहले उसे निकाल दिया था एरोप्लेन से ताकि उसकी जान बच सके। अब ऐसे में जब सभी के ऊपर मुसीबत आने वाली है, तो यहां पर अब हीरो के तौर पर तो ईशान ही सामने आने वाला है। तो यहां पर आने वाले एपिसोड में सभी का और ईशान का दोनों का दमखम आपको देखने को मिलेगा। एंड जो गुंडा जितनी कॉन्फिडेंट के साथ यहां पर आया है वो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ जो है वहां से भागने वाला है, और जाकर जिसने उन्हें भेजा है उसको भी बोलने वाला है कि भाई किसके पास भेज दिया था मुझे, वो तो यहां पर पूरी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी, और यहां पर अलग से वो बंदा और है यहां पर। तो यहां पर आने वाले एपिसोड में पूरी तरीके से जो सभी है वो यहां पर जो है बैंड बजाने वाली है उस गुंडे की, क्योंकि यहां पर एक बार कमरे में बंद हो चुकी है ऑलरेडी क्लासरूम में, बार बार सभी की कोई रैगिंग करके चले जाए, इतनी सभी जो है नरम नहीं है, क्योंकि सभी एकदम कड़क है। अब यहां पर देखो सीरियल के मेकर्स जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कॉलेज वाला माहौल बनाने की। अब यहां पर उन्होंने जो कॉलेज को है उसमें एजुकेशन मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया है, वाइस चांसलर को भी इन्वॉल्व किया है, और यहाँ पर राव साहब घबरा रहे हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा उनको। लेकिन यहाँ पर आई थिंक सील के मेकर्स जो है सीन को बना देते हैं, पर रिसर्च करना हमेशा भूल जाते हैं। एंड यार, मैं सीरियसली नहीं चाहता कि आप लोग सीरियल को देखकर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लो, बिकॉज मेरा यही मानना है कि सीरियल मोटिवेशन के लिए है, लेकिन जब सीरियल के मेकर्स एक्स्ट्रा ज्ञान लगाने लग जाते हैं ना, तो वो गलत चीज़ें हमको बता देते हैं। तो आप में से भी अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो कॉलेज का चेयरपर्सन होता है, यानी कि जो मालिक होता है, वाइस चांसलर उसके अंडर में ही काम करता है। वाइस चांसलर जो है अपने ही मालिक को फोन करके ऐसे नहीं बोल सकता कि कल सुबह तक लेके आ जाना डॉक्यूमेंट, कल सुबह तक फैसला कर दो, वरना तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। और भाई साहब, वाइस चांसलर भरा क्यों मालिक के अगेंस्ट जाकर एजुकेशन मिनिस्टर को शिकायत कर देगा अपने ही इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि वाइस चांसलर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं होती है, और भोसले इंस्टीट्यूशन को एक प्राइवेट अथॉरिटी दिखाया गया, तो उसका जो वाइस चांसलर है वो भी प्राइवेट ही होता है, और वो कॉलेज को ही रिपोर्ट करेगा, ना कि सीधे एजुकेशन मिनिस्टर को। इवन यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अथॉरिटी दिखाई जाती तो ये सारी चीजें होती, लेकिन वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहा है तो फिर भी बनता है। लेकिन वाइस चांसलर यहाँ पर क्यों धमका रहा है मालिक को अपने, भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वाइस चांसलर के ऊपर चांसलर होता है, खुद उसके ऊपर चेयरपर्सन होता है, फिर कोई ट्रस्टी व्रस्टी, और फिर कहीं जाकर एजुकेशन मिनिस्टर होता है। तो ये जो इन्होंने दिखाया है ना सीरियल में स्टेप बाय स्टेप, इतने लोग इसको धमका रहे हैं, ये चांसलर इसको धमका रहा है, वाइस चांसलर इसको धमका रहा है, तो इन चीज़ों को सीरियसली मत लीजिएगा। अगर आप वाकई में आप चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में पता चले तो गूगल कर लेना, किताब विताब पढ़ लेना थोड़ी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सीरियल के मेकर्स जो है काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसी का परिणाम ये होने वाला है कि आने वाले एपिसोड में जो है यहाँ पर
वो लोग नाकामयाब होंगे सभी को धमकाने में सारी चीजें में। और यहाँ पर वो जो है शांतनु को दोष देने वाले हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू उसको लेकर आया था। और ईशान भी यहाँ पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो बुलाएगा आयुष को एंड उसके मुँह से सच उगलवाने वाला है। फाइनली यहाँ पर फैसला होते हुए आपको नजर आएगा और यहाँ पर ईशान को ऑलरेडी ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पर सभी को धमकाने के लिए अब गुंडे बदमाश तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर ईशान का गुस्सा और ज्यादा भड़कते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल इंसान को कॉलेज के अंदर घुसने की इजाजत नहीं है और यहाँ गुंडे घुसकर आ रहे हैं। यानी कि ये बात तो तय है कि भोसले इंस्टीट्यूशन के जो मायने हैं, जो उन्होंने तय किए गए हैं, वो एकदम खोखले हैं। यहाँ पर सिर्फ वो कमजोर और जो समझदार लोग हैं, जो वाकई में कानून की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए है। जो कानून को नहीं मानते उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो गुंडा हो, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे कोई और हो, यूं ही मुंह उठाकर सब लोग चले आते हैं। ऑल ओवर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड है आप लोग, और आपको क्या लगता है कि वाकई में सीरियल के मेकर्स जो है हमको विराट चौहान की बेटी और गढ़चिरौली की शेरनी सई की बेटी सभी का दमखम कड़क रूप दिखाएंगे आने वाले एपिसोड में। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन आने वाले एपिसोड को लेकर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। कोई भी सवाल तो पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी बता दीजिएगा, सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल एंड उनसे जुड़े आपके सवालों पर मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।